थाना बटाला के फतेहगढ़ चूड़िया थाने की पुलिस टीम ने आधा किलो अफीम के साथ तीन युवकों को गिरफ्तार किया। फतेहगढ़ चूड़िया थाना प्रभारी SHO सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम गश्त पर थी और नाकाबंदी के दौरान मिली सूचना पर तीन युवकों को शक के आधार पर तलाशी ली गई और उनके पास से 500 ग्राम अफीम बरामद की गई। तीनों युवकों संदीप कुमार, सुखमन और अनमोल के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। नौजवानों ने बताया कि करीब पिछले 6 महीने से वे काले धंधे से जुड़े हैं और अफीम लिया और आगे बेचने थे। जी मानयोग मैम SSP बटाला जी के दिशा निर्देशों तहत SPD साहब की सुपरविजन हेठ तो DSP फतेहगढ़ की DSP साहब की जिरे निगरानी साड़ी पुलिस पार्टी जी गश्त के दौरान बस स्टैंड जा रही थी। जो उत्थे पुजी तो सानू सलाह मिली तो उन्होंने बंद शक की बिना तो चैक करते उन्होंने पासों जी 500 ग्राम जी फीम बरामद हुई है, जिस के उत्ते मुकदमा नंबर 30/12/23 अंडर सैक्शन 18/61/85 तहत जी कार्रवाई चल रही है। जो दोषी है गए संदीप कुमार तो सुखमन तो अनमोल जोड़े इन्हों मौके उत्ते जो तिना गिरफ़्तार किया गया है। अगे फरदर जितों लैके आए अगर इन्वेस्टिगेशन का अच्छ रिमांड लिया जाएगा, रिमांड लैके जितों लैके आते हैं उन्होंने तक जो पहुँचा जाएगा। उन्होंने बारे भी जो फरदर जो फॉरवर्ड बैकवर्ड जो लिंक है उन्होंने तक रिमांड लैके वो जी तफ्तीश की जा रही है। इन्होंने पूछगिछ के दौरान दस कि भी करीब असी कोई 5-6 महीनों तो धंधे के पे ने।